नमस्कार दोस्तों, एसपी कुकिंग में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जिसे पालक कोफ्ता कड़ी बोलते हैं। पालक के हम कैसे पकोड़े बनाएंगे और कड़ी कैसे बनाएंगे वो आपको बताएंगे। तो चलिए मेरे किचन में। चलिए दोस्तों, हम पालक कोफ्ता कड़ी बनाने जा रहे हैं। तो हमने 250 ग्राम पालक लिया हुआ है, जिसे हमें धो के और बारीक काट लिया है। अब हम कोफ्ता के लिए सबसे पहले पकौड़े बनाएंगे। तो पालक को हमने काटा हुआ है, तो हम पालक के अंदर क्या क्या मिलाएंगे पहले वो बताएंगे। एक कटोरी बेसन है हमारा, धनिया है, हल्दी पाउडर, थोड़ा मैगी मसाला हमने लिया है, लाल मिर्च पाउडर और ये हमारा नमक स्वाद अनुसार। तो हम एक एक करके इसमें सामान डालेंगे। पालक में पहले नमक डाल रहे हैं, आधा चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं, ये हल्दी पाउडर आधा चम्मच और आधा चम्मच मैगी मसाला है वो डाल देंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर डाल दे रहे हैं हम, ये हमने अदरक ग्रेटेड किया हुआ है, 1 इंच छोटा सा टुकड़ा लिया था, एक ग्रेट किया हुआ था वो डाल देंगे। अब बेसन डालेंगे हम बेसन पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे पहले, तो मिला लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे हम। देखिए दोस्तों, हमने पालक को अच्छे से मिला लिया है बेसन में, बेसन हमारा थोड़ा बच गया था, बेसन हमने थोड़ा और डाला था, 1 कटोरी बेसन जो हमने लिया था, देखिए हमारा इतना बच गया है इतना सा, तो इसको हम साइड में रख देंगे। और हमने इतना पानी, 1 कटोरी पानी लिया था, हमारा आधा कटोरी से भी कम पानी लगा है, तो पानी हमें ज़्यादा नहीं मिलाना है, जितनी पानी की ज़रूरत है उतनी ही मिलानी है हमें। अब चलिए हम पकौड़े बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हमने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है, देखिए दोस्तों हमारे पकोड़े कैसे बन रहे हैं। क्योंकि तेल हमारा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया तो हमने आज स्लो कर दिया था, तो ऐसा ही हमारा तेल गर्म होना चाहिए। और हमने पकोड़े छोटे छोटे बनाए, आप अपने हिसाब से बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं। ग्रेवी बना लेते हैं, ये हमारे पास 3 छोटे छोटे टमाटर हैं, आप अगर आपके पास 2 मीडियम साइज टमाटर है तो आप 2 ले सकते हैं, मेरे पास छोटे हैं इसके लिए मैंने 3 लिया हुआ है। काजू है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च और थोड़ा लहसुन, हम ये सबका ग्रेवी बना लेंगे, पेस्ट बनाना है हमें। तो हम इसको काट के मिक्सर में डाल लेते हैं फटाफट, मोटा मोटा काटना है हमें। देखिए दोस्तों, हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं, और चलिए हम ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। ग्रेवी में हम क्या क्या डालेंगे हम आपको बता देते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, धनिया गार्निश करने के लिए, नमक स्वादानुसार, कसूरी मेथी है हमारा ऊपर से डालेंगे बाद में, ये हमारे कुछ खड़े मसाले हैं, तेजपत्ता, जीरा, लौंग, इलायची, ये हमारा दालचीनी है, ये काली मिर्च है, ये सब हम डालेंगे। और ये हमने जो ग्रेवी बनाई है टमाटर की वो डालेंगे। तो हम कैसे कैसे डालेंगे हम बताते जाएंगे आगे। 2 चम्मच हमने तेल डाल दिया, आप कोई भी तेल ले जा सकते हैं, मैंने सरसों का तेल डाला हुआ है। हम इसमें मसाले डालते हैं, ज़्यादा लाल नहीं करना, हम एक छोटा मीडियम साइज का प्याज काटे हैं, बारीक बारीक है तो वो डाल देते हैं। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं प्याज को, और लहसुन भी स्किप कर सकते हैं, जो मैंने डाला है लहसुन और प्याज तो आप मत डालिए, सुनहरा भून रहा है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि बच्चे हमारे घर में हैं, तो ज़्यादा तीखा नहीं बना रही मैं। इसको 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे, फिर इसके बाद हम मुझे जब तक हमारा मसाला और तेल अलग ना हो जाए तब तक हमें भूनना है इसको अच्छे से। तेल और मसाला अलग हो गया है, इसका होता हमारा हो गया है ग्रेवी, अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। अब पानी अपने हिसाब से डालिएगा, जितना आपको गाढ़ा चाहिए रहेगा उतना आप हिसाब से पानी डाल सकते हैं, मैंने 1 गिलास डाला है छोटे गिलास से।
इसलिए हमारी ग्रेवी में उबाल आ गया है, तो हम इसी स्टेज पे पकौड़े डाल देंगे। डालने के बाद हम अच्छे से चला लेंगे इसको, क्योंकि हमारे सारे मसाले पालक में अच्छे से मिल जाए। और हमने नमक अभी तक नहीं डाला है, तो हम नमक डाल देते हैं। और साथ में हम ये मैगी मसाला डाल देते हैं आधा चम्मच, आप चाहे गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और डालने के बाद हम एक मिनट को उसको पकाना है हमें अच्छे से, क्योंकि हमारे सारे मसाले इसके अंदर मिल जाए, पकौड़े में, कढ़ी में, सब तरी में सब अच्छे से हो जाए। देखिए गाइस, हमारे ये पकौड़े अच्छे से हो गए हैं, ग्रेवी अच्छे से बंद, अच्छे से सामान जो है हमने जो डाला लास्ट में वो मिल गया है। आप अपने घरों में ज़रूर बना सकते हैं, और मेरे कमेंट पे आप, मैं इसको गार्निश कर रही हूँ, कमेंट पे आप मेरे ज़रूर बता सकते हैं कि कैसी बनी है रेसिपी, और आपने घर में ज़रूर बनाइएगा और खा के मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, हमारी ये रेसिपी हो गई है, अब हम गैस बंद कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगर ये मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय दोस्तों।